तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। नए दिन की नई शुरुआत उदय बलोच ब्लॉग के साथ में हो गई है। सुबह लग जाती हूँ काम पे, थोड़े से काम है वो निपटा के फिर मैं आपसे मिलूंगी कि कंटिन्यू रहे, सरप्राइज है कुछ, मैंने कहा था ना कोई गुड न्यूज़ है, तो आप बने हुए रहोगे साथ में तो आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। मेरी बिल्लियाँ इतना चिल्ला रही है, म्याओं कर रही है, लोगों को दूध देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, कंटिन्यू रहना। तो गाइस देखो, सच्ची नहीं मकाई आ गया है घर पे सवेरे सवेरे। क्या कर रहा है नानू को मोबाइल लेके, क्या कर रहा है? मुँह हाथ धो लिया, ब्रश किया, ब्रश कर लिया। अच्छा अच्छा, चलो बैठ जाओ नाश्ता करने का ना, बैठो बैठो। मोबाइल लाओ, नानू का मोबाइल। अरे बापले, और यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी हूँ, कपड़े निकल चुके हैं आधे आधे बाकी है, और ये अपना छोटा गुड्डीलाल अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम करो, गाइस को सलाम करो। भाई मुझे माफ़ कर दो, अपने दिमाग की बत्ती जलाएगी इसकी। बर्तन वगैरह मेरे सारे हो गए, ये बच्चे देखो सो रहे हैं अभी, एक लगता छोटू उठा है। चलो मिलती हूँ आगे आपसे कपड़े सुखाने के बाद। गाइस मैं आ गई हूँ किचन पे, हाथ मेरा मतलब काम कर रही थी, तो अब आई हूँ, आप बना रही हूँ यहाँ पे मेथी के पराठे। देख सकते हो मैंने आटा ले लिया, मैं मैसेज करने में बिजी हो रही थी, आटा ले लिया, नमक डाल दिया, हल्दी मिर्ची पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सूखा धनिया, थोड़े से कड़ी पत्ते बारीक बारीक कट करके डाले, कोथमीर डाली, और यहाँ पर आ गया मेथी की भाजी जो मैं अभी काट के धो के रख दी हूँ, वापस पानी में डाल के रखी हूँ, जो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, और डालूँगी अब तेल। तो गाइस यहाँ पे मेथी मैंने डाल दी है, अब जाएगा इसमें बिस्मिल्लाह तेल, हमने तेल भी डाल दिया, अब इसको मिलाते गूंथते हुए आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। मस्ती तो देखो, मस्ती ये इन लोगों की मस्ती को देखूं मैं, कि ये जियान की मस्ती का जियान, ओ जियान ए लो चॉकलेट, लो ए लो चॉकलेट है सारी साले। हाँ हाँ, अभी इंजेक्शन लगा के आया है पैर पे दो, फिर ये सीढ़ी चढ़ा है, अब पता नहीं शाम तक का मुर्गी बनेगा जो चल रहा है, बकरी अंधी होने वाली है। और ये लोग ने पूरा इन लोगों का साफ सफाई करके इन लोगों को अंदर मैंने डाल दी हूँ, कारपेट चेंज कर दी हूँ। मस्ती देखो, बच्चे इतनी मस्ती करते ना, एक दूसरे को मारते ही रहते हैं। और यहाँ पे मैंने आटा पूरा गूंद के पेड़े बना के ले ली हूँ, बस इन लोगों को पराठा बना के देती हूँ। गाइस मिलती हूँ आगे आपसे। यहाँ पे पराठे हो रहे हैं रेडी, जो दो पराठे रेडी है मैं दे दूँ जियान को, क्योंकि जियान भी साथ में है, मेला छोटा गुड्डूलाल है। गाइस यहाँ पे मैंने पुलाव गरम करने रख दी हूँ, हो गए हैं ये सब चीज़ें रेडी, अब होगा किचन मेरा नीट एंड क्लीन। ये पुलाव गरम करके इन लोगों को दे दी, थोड़े सा मोहिन ने पुलाव लाया था बाहर से, और आज ये लड़का इतना चल रहा है ना, कि इसको अब मालूम पड़ेगा शाम होते होते इसके पैर में कितना दर्द होने वाला है, क्योंकि हो तो रहा है दर्द, वो रो रहा है, वरना ऐसा रोता नहीं है लड़का मेरा। आज ये दुख रहा है, दुख रहा है, पैर दुख रहा है, दुख रहा है। तो गाइस यहाँ पे पकाने की है तैयारी, प्याज हो गए हैं लाल, मैंने लिया यहाँ पे दो प्याज, और यहाँ पे अक्खा मसूर और कीमा है, प्याज मेरे पूरे लाल हो गए। यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए थे जो रखी हुए दम पे, करते हैं बिस्मिल्लाह। मैंने पाव किलो कीमा और पाव किलो अक्खा मसूर है मेरी, इसको लाल करनी है। गाइस यहाँ पे सूखा धनिया, नमक, हल्दी और गरम मसाला मैंने डाल दिया है, अब इसको करते हैं मिक्स, और डालते हैं इसमें टमाटो। तो यहाँ पे टमाटो और मैंने हरा धनिया डाल दिया है, अब करते हैं इसको मिक्स। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें, कहा खुशबू इतनी मस्त आ रही है, बरोबर मैंने जिस तरह बनाया उस तरह बना के ट्राई करें, तेल भी कुछ छूट रहे थे।
गाइस यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, मिर्ची पाउडर डाला है और यहाँ पे देखो 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची डाल दी है क्योंकि मिर्ची पाउडर मैंने कम डाला है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग अब इसको अच्छे से भूनते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस मैंने यहाँ पे देखो 1.5 गिलास ही पानी डाला और इसमें 2 आलू डाल दिए हैं और एक ही सीटी बस हो गई क्योंकि अक्खा मसूर है और कीमा इसके लिए। तो मिलते हैं गाइस आगे सीटियों के साथ में। गाइस माशाल्लाह ज़रूर बोलना, बन गई है अपनी दाल कीमा, अक्खा मसूर दाल कीमा, खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब गाइस। आगे मिलते हैं, देखो तेल भी आ चुका ऊपर, वरना अक्खा मसूर के सालन में तेल नहीं आता ऊपर, उसमें आ चुका है। तो कंटिन्यू रहे गाइस, हम लोग आए थे मार्केट और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं वड़ा पाव। क्या खाएंगे? वड़ा पाव। देख वड़ा पाव खाने का तो सब समझता है, पाव किलो क्या लाने के लिए चाचा? बॉ लाने के लिए। इसके लिए यहाँ पे इंडियन बर्गर आ गया हमारा, सच में मिर्ची खाएगा जी, मिर्ची खाएगा। अरे बच्चे के लिए कुछ नहीं लाया, भजिया तो लाने का था उसके लिए, भजिया बना रहा हूँ। हम लोग यहाँ बैंक के बाहर ही बैठे और यहाँ सारी लाइन ना लाड़ की बहन योजना की लगी हुई है, पैसे ही पैसे, मुंबई में तो पैसे ही पैसे आ रहे। क्या बोलते जियान? मैं जियान इतना खुश है कि किसको वड़ा पाव खाने में, और हम लोग यहाँ बैंक के बाहर ही है। लाइन देखे पीछे सब भाव लोग बहन लोग को पैसा दे रहे, लाड़ की बहन लोग है ना सब। ये अपना निकाह खुद पढ़ाने वाले, पूरा पी ले पूरा, तू मेरे को देना ही नहीं बेटा। हाँ पूरा शरबत पी के दिखा, अभी इतना प्यासा था देखो। नहीं नहीं पी ले ना, पी ले पी ले, जितना चाची को दे ले लूं पक्का। अच्छा था? कैसा था? अरे वाह अच्छा था जूस, मस्त वाला था, मस्त वाला था, मस्त वाला ना कालू। तो गाइस आते साथ ही पकाना शुरू कर दिए, चाय बन गई थी और यहाँ पे देखो मैंने दाल चढ़ा दी भून के और ये देसी जुगाड़ बिस्किट नरम हो गई, तो चावल का दम पे रखी थी तभी तो बिस्किट को रख दी हूँ। और भाई साहब को देखो क्या हुआ पता है, कि बुक ये समझा कि छगन के इधर ही है और गया दूध लाने के लिए। अब उसको बुक घर में मिली, अब उसको इतना डर है माँ बाप से ज़्यादा छगन का डर है, कितनी बातें सुनाएगा बोलो, माँ बाप से ज़्यादा डर है तेरे को। वाह वाह बेटा वाह वाह, माँ बाप का डर मिट गया तुम लोग से, कहाँ भटक रही रे बाबा बच्चों को छोड़ के। ये डर के बेचारा भारी रहता है क्योंकि मारती वो डायरेक्ट हमला हमला डायरेक्ट। अरे तो गिर जाएंगे गिर जाएंगे, मैंने आज लो पायदान धोके वाली हूँ, गिर जाएंगे ये बच्चे इसमें से। ए इसमें कुछ दाल नीचे, मेरे को लगता रहेगा नीचे, क्या चिल्ला रहे बच्चा सोला है, चिल्लाओ मत, गिर जाएंगे रे, आत्महत्या करना चाहते क्या रे तुम लोग ये गिरने वाला गिरेगा, और ये मारा सो गया थक्के चूर। A few moments later. तो गाइस हम लोग यहाँ आ गए थे बड़ी माँ के इधर, यहाँ पे बस घर पे रहेंगे ना तो यही सब तमाशा इन लोगों को, बहुत सताते बहुत सताते। नहीं कितने दिन के बाद फातिमा सनाइला मम्मा, अगर गिरा ना जियान तो तेरा तो बंदोबस्त है देख लेना, ये काम बस ये काम, मस्ती खोर बच्चे, ये मस्ती खोर बच्चे। तो गाइस जिदान का तो खाना वगैरह हो गया है, हम चले बाहर, थोड़ा सा काम था उस वजह से जा रहे हैं बाहर। दाल चावल बन चुका है, सब्जी मैंने कट करके रखी है, बस आके उसको बनाना है। तो हम चले अभी गिरते गिरते बच्चे, जिदान नमाज जाएगा तो दरवाज़ा बंद कर दिया ना कि बच्चे छोटे छोटे घर में दूसरे बिल्ली आके खा मत ले, तो चलते हैं आगे।
गाइस हम चले गए और हाईवे पे देखे आप कितना ना ट्रैफिक है, नीचे बैठ गया सुनता ही नहीं है। तो हम लोग चले आगे, ट्रैफिक तो वाह। मेरे मियाँ कहते हैं सिर्फ ट्रैफिक ही बताते रहती है। ट्रैफिक है तो बताना ही पड़ेगा, जिंदगी में है क्या, जिंदगी में अंदर भी ट्रैफिक है बाहर भी ट्रैफिक ही लगा हुआ है। तो हम लोग आ गए संडे मार्केट के रास्ते पे, आप देख सकते हैं यहाँ सभी जगह सेल लगी हुई है, जैसे कि अब सीज़न शुरू हुए, जैसे दिवाली आने वाली है और यहाँ पे फ्रीज, वॉशिंग मशीन, बच्चों के कपड़े, हर चीज़ पे सेल ही सेल शुरू है। गाइस मैं यहाँ आई थी एवन दुकान में, तो यहाँ पे सारे कारपेट वगैरह, कुछ कारपेट वगैरह लेना था जिसके लिए हम लोग आए थे यहाँ पे, और देख लिया है, अभी देखते कितने परचेस करने। यहाँ पे आपको कहा था ना मेरे सभी जगह सेल लगा हुआ है, सब सेल लगा हुआ। गाइस हम अपने एरिया में आ रहे हैं और यहाँ पे पूरी सेल शुरू हो रही है, मतलब शुरू हो गई आधे से ज्यादा अंदर ही अंदर। यहाँ पता नहीं इस बार लगी कि पर मस्त वाली सेल, अपने गैस आगे मेरा ब्लॉग देखा होगा तो यहाँ पे सेल लगती है, और आ जाए इंजॉय करें, दिवाली की शॉपिंग करें। मैं ज़रूर बताऊँगी सेल में क्या क्या है। आया मस्ती शुरू है, लड़के की मस्ती शुरू है, कभी इनको मारो कभी मेरे बच्चे जी आन, गोल्डी तेरे बच्चों को देख मार रहा है जी आन। अच्छे से नाम बोल दी, अब ऐसा देगी ना पंजा, ओ अभी आके तुमको मारेगा, चले देखे देखे जी आन, गंदी बात नानू है ना। हाँ भू डर गया बहुत, मार अच्छा वो नाखून मारती ना अच्छा रहता है, क्या डरता है ना उसके नाखून से, देखा उसके नाखून से बहुत डरता है। अरे मुंह में पप्पी नहीं लेते चीन, नेटा बह रहा है उसका नेटा। क्यों नानू को लास्ट से मारा सेमड़ू। तो गाइस यहाँ पे हमने चाय चढ़ाई है क्योंकि मेरे मियाँ आए और कहने लगे कि इनको चाहिए चाय। हाँ क्या बोल रहे थे, थोड़ी बना रहे थे, ज्यादा नहीं बना। नहीं एक लीटर दूध की चाय बनाती हूँ, हो गई गजरी हो गई ना मैं तो वीरान बोलेंगे ना, किसी का ठिकाना रहता नहीं। अच्छा क्या बोल, पग निकले दिख रहा नहीं खाली हम लोग, मारते हुए जाने का बोलेंगे ना। तो अभी तक तो तूने चाय बोले होते ना तो इतना मातम वाला चेहरा बना दी होती ना। अच्छा ये दूध का हिसाब कौन देगा, कर्ज वाला हिसाब किताब है, दूध का हिसाब नहीं। अच्छा अच्छा लगा मेरे को, अच्छा लगा, अच्छा ही लगता है, हर औरत को उसकी माता जाने का बात करेंगे तो अच्छा ही लगता है। सही सही जवाब, तुम लोग अपने मायके में ना तो तुम लोग को एहसास नहीं होता है। अरे हम मायके में तो हम लोग ने गलती की ले क्या, ये रूल है ये दुनिया का, हम लोग ने खींच के लेके, मैं तो बोल रहा हूँ तुम लोग वहाँ दे दो हमारे को घर, हम ससुराल में आ जाते, तुम लोग खुद नहीं देते और दुनिया का आरोप आदमी पे लगाते। आदमी अगर ससुरे सास ससुरे से घर मांगेगा उसके बाजू में तो बोले वो बोलते घर जाओ ये बन रहा है, और औरत को लेके अपने घर में रहेगा तो बोले मेरी बच्ची को तकलीफ में रख रहा है, करे क्या आदमी, कोई इलाज नहीं है बाबा, दे दो ना 3 बेडरूम और 4 बेडरूम का घर दे दो, खलास करो मेटर को। क्या बिंदास मांग रहा आदमी, बिंदास नहीं मांग रहा है, बता रहा हूँ तो दुनिया क्या सोचती है। अगर सास ससुरे जवाई को घर दे देंगे तो पूरे लोग बोले घर जवाई, और बेचारा जवाई अपने घर पे लाके रखेगा तो औरत बोलती है मैं अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर पे आई, ये कौन सी कहानी हो गई। तो सही बात है ना, तो पहले सास ससुरे घर दे देना चाहिए, वो घर छोड़ने का कहानी नहीं आना चाहिए मर्द को, फिर बोलेंगे कि बहू ने बेटे को माँ से दूर कर। अरे क्यों दूर करी, माँ बाप की ताकत रहेगी तो उड़ेगा ना, अपना लड़का तो बड़ा हो गया, वो शादी कर लिया, अब उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, लड़के को खुद समझ में आता है कि उसको क्या करना चाहिए, वो निठल्ला है तो निठल्ला है, वो ऐसी भी ये घर पे भी लेके औरत की बात सुन के माँ को तकलीफ देगा तो जहन्नमी हो जाएगा, इससे अच्छा अकेला रहे हुए तो माँ समझ ही जाएगी ना ये निठल्ला था ही। खराब कर बेटर को,
चाय बना, चाय के चक्कर में कितना भाषण था, 2 मिनट का भाषण था चाय का। हाँ तो 2 मिनट का भाषण देना ही पड़ेगा ना, पहले आदमी औरत 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 की तकलीफ पहले बहुत तकलीफ होता है, आदमी खाली इंजॉय करने ही पैदा हुआ। सही जवाब। गाइस अखे दिन की भागा दौड़ी के साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग में, कंटिन्यू रहना क्योंकि आगे और धमा चौकड़ी, क्योंकि अभी छुट्टियां आने वाली है, फिर कहीं घूमने जाएंगे, फिर घर में शादी है तो उसकी भी शॉपिंग करनी है, तो शादी के लिए ज़रा तैयार रहना मेरे ब्लॉग में। पता है ना हम लोगों की इधर शादी में कितनी धमा चौकड़ी होती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।